डीएनए रिकवर करने की इनमें सलाहियत नहीं है। हाँ, अगर आप इन्हें यहाँ पहले जल्दी ले आते तो इन्हें बचा सकते। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है हमें उसके घर जाना चाहिए, अफसोस करने जरा। हाँ, थोड़ा इम्प्रेशन बन जाएगा। और उसे अफसुरदा और रोता हुआ देख के जो दिल को सुकून मिलेगा ना। क्या बोलता? ईमान की एंट्री इस घर में कैसे बंद करनी है उसका हल भी खुद ही सोच लो। आखिर खाला को भी तो तुम नहीं ऊपर पहुंचाया है, ये मार्का भी अपने सर ले लो। तुम कहीं जा रही हो? जी, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे। क्यों? यूं ही पूछ लिया था। क्या शादी से पहले भी तुम अपने घर वालों से परमिशन लेके या उन्हें इन्फॉर्म करके जाती थी या यूं ही चली जाती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि जब से तुम्हारी शादी हुई है मुझे इन्फॉर्म करना तो दूर की बात, तुमने तो कभी मुझे बताया ही नहीं, मुझसे कभी परमिशन नहीं ली कि तुम कब जाओगी और कब वापस आओगी। वेल आंटी, मैंने अहमद को कॉल कर दी थी और वो जानता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब जाऊंगी, कब वापस आऊंगी, किससे मिल रही हूँ। वेल, आई डोंट थिंक कि मुझे किसी और को इन्फॉर्म करने की जरूरत है या परमिशन लेने की जरूरत है। बहुत गलत अंदाजा था मेरा तुम्हारे बारे में। मैं समझती थी कि तुम बहुत समझदार और केयर करने वाली लड़की, मगर तुमने मुझे बहुत मायूस किया। वेल आंटी, अंदाजे तो मेरे भी बहुत गलत साबित हुए हैं आपके बारे में। मैंने तो सोचा था कि आप बहुत अच्छी सास होंगी, केयरिंग होंगी, लविंग होंगी। हालांकि पहले तो आपका रवैया मेरे साथ तो बहुत डिफरेंट था और अब देखें, अब तो आप टोटली चेंज हो गई हैं, बिल्कुल टिपिकल सासों की तरह। मैं तुमसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम ध्यान दो घर पे। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि आप रोज ऑफिस जाएं और अपनी लाइफ एंजॉय करें और मैं इस घर में रह के घर के सारे काम करूं? हाँ, I'm so sorry आंटी, मैं ना ये सारे काम नहीं कर सकती और ना ही मैंने कभी किए हैं। और वैसे भी आपके घर के नौकर ये सारे काम इतने अच्छे तरीके से कर जो लेते हैं और आपको उन पर इतना ट्रस्ट भी है, तो बेटर ये होगा कि सारे काम आप उन्हीं से करवाएं, मुझे ना ड्रैग करें चीजों में। बाय। अच्छा किया तुम आ गई, मेरा तुमसे मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा था। तो क्या हुआ, आप आ जाती मुझसे मिलने के लिए? आ तो जाती, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद ही चक्कर लगाओ। वैसे भी अब तुम्हारी शादी कर दी है ना, तो बेटियों के घर ज्यादा आना जाना मुनासिब नहीं लगता। तो मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ में हमारी इंटरफेरेंस रहे, और ससुराल की भी तो अपनी प्राइवेसी होती है। अब वैसे भी तुम पर हमसे ज्यादा तुम्हारे शौहर और तुम्हारी सास का हक है। For God's sake, Mom, I don't know, अब कब ये पुराने जमाने की बातें करना बंद करेंगी? मेरी शादी हुई है, मैं कोई कैद खाने में थोड़ी गई हूँ। मैं अपनी मर्जी से आ जा सकती हूँ, इससे मुझे अहमद से या आंटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। I mean, और मुझे कब किससे मिलना है
इससे भला अहमद को या आंटी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है मॉम? बात इतराज की नहीं है, बात असूल की है। जो बात मैं अपनी बहू के लिए पसंद नहीं करती, वो मुझे अपनी बेटी के लिए भी ठीक नहीं लगती। और तुम तो जानती हो कि मैंने उसे कितनी बार कहा है कि मुझे उस ईमान से कंपेयर ना किया करें। मेरा और ईमान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट अहमद को भी इन सारी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र है अल्लाह का कि अहमद तुम्हारा ख्याल रखता है। ख्याल नहीं, वो जान छिड़कता है मुझ पे अपनी। अगर मैं कहूँ दिन है तो वो कहता है दिन है, मैं कहूँ रात है तो कहता है रात है। अच्छा ये क्या कहते ना, तुमने मुझे टेंशन फ्री कर लिया, वरना तो दिल को धड़का ही लगा रहता है कि किस चीज का धड़का? ये ही कि ईमान अहमद के अगेंस्ट बातें करेगी फिर से। मॉम मैंने आपसे पहले भी कहा था ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। उसका तो बस एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था कि मेरी और अहमद की शादी ना होती। अब छोड़ो ना महा, पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा होगा? तुम सारी बातें भूल जाओ। देखो इस तरह रिश्तों में कशीदगी पैदा होती है। तुम अपने घर में खुश हो, मेरे लिए यही काफी। कैसी हो महा? अरे ईमान वहां क्यों खड़ी हो, आओ हमारे पास बैठो। अरे नहीं नहीं आंटी, आप लोग बैठ के बातें करो। मैं तो बस ये पूछना आई थी कि आज महा आई है तो डिनर के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर ले। महा तुम डिनर तक तो रुक रही हो ना? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? I mean, मेरा घर है, जब तक चाहे यहाँ रुक सकती हूँ ना। नहीं मेरा मतलब था कि कोई और प्लान ना हो ना तुम्हारा। अरे नहीं ईमान, अब ये आई है तो इसे इतनी जल्दी थोड़ी जाने दूंगी। तुम ऐसा करो इसकी फेवरेट डिशेस बना लो। जी ठीक है, चाय भिजवाऊं आप लोगों के लिए? नहीं I don't feel like having a tea. नहीं मेरा ख्याल में थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। जी ठीक है। महा क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठी हो? भूल जाओ जो हुआ। देखो तुम जो कुछ चाहती थी वैसे ही हुआ, और फिर अहमद ने भी इन बातों को इशू नहीं बनाया। इनफैक्ट वो तो ईमान की अम्मी की डेथ में भी गया था, और इसका मतलब है कि उसके दिल में किसी के लिए या ईमान के लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। समझाया था ना? समझने की जरूरत मुझे नहीं महा को है। कितना रूड बिहेव किया उसने मेरे साथ, उसे जरा भी लिहाज नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। नौकरों के सामने इतनी बेइज्जती करके गई है वो मेरी, उसे ओके मॉम, मैं बात करूंगा उससे। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपसे कहा है आप सिर्फ वो करें। बस कुछ हफ्तों की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर हर रोज आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो मेरे लिए जरा ये सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। मॉम क्या आप ये नहीं चाहती कि आपके इकलौते बेटे की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो? मेरी लाइफ पुरसकून रहे। अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी से हम इतना लड़ रहे हैं। बेटा मैं क्यों चाहूंगी कि तुम लोगों के झगड़े हों? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि महा अपनी जिम्मेदारियां संभाले। समझ जाएगी वो, आप बस उसे थोड़ा और वक्त दें। आप तो उससे कहीं ज्यादा मैच्योर है ना। बेटा मैं क्यों चाहूंगी कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो, मगर उसे अपनी जिम्मेदारियों को तो समझना चाहिए ना। समझ जाएगी, प्लीज आप उसे थोड़ा टाइम दें मॉम, मेरी खातिर। ठीक है तुम बात करना उससे। वाह
फोन काट दिया। इंटरेस्टिंग। डैडो, मैंने आपको बताया था ना कि दुबई में एक एग्जीबिशन है, तो वहां पे जाना है। एक हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा। अरे वाह बेटा, जरूर जाओ, और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा सके। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि फखर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाएगा, क्योंकि जितनी मेहनत और लगन से ये काम कर रहा है, अल्लाह ताला इसके काम में जरूर बरकत देगा। आमीन। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सच कहूं तो इसमें 50% ईमान का है, क्योंकि देखो जब मर्द को घर में सुकून मिलता है ना, तो वो काम बहुत अच्छी तरह करता है। जैसे नजमा, तुम मेरे लिए, तुमने कभी मुझे घर में टेंशन नहीं दी, इसीलिए तो मैं कामयाब बिजनेसमैन हूं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मॉम, मैं सोच रहा क्यों ना अपने साथ ईमान को लेकर चला जाऊं इस बार। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। हर दफा कोई ना कोई प्लान बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इशू क्रिएट हो जाता है। अब अगर मौका है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए, है ना? वैसे भी ईमान इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है रिसेंटली, अच्छा है ना, चली जाएगी, घूम फिर लेगी, तो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। हाँ बेटा, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, जरूर जाओ। तुम भी काम का इतना बर्डन लेते हो, ईमान भी इतना बिजी रहती है घर में, थोड़ा जाओगे घूमो फिरोगे तो फ्रेश हो जाओगे। वाओ, दैट्स रियली ऑसम। आई मीन, मैं शादी के बाद पहली मर्तबा अपने घर रहने आई हूँ, और आप लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। महा, मैं कौन से घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, इट्स जस्ट अ बिजनेस ट्रिप। और महा बेटा, ये दोनों कौन से कल सुबह जा रहे हैं? कल तक तो तुम भी अपने घर चली जाओगी। किसने कहा है आपसे ये? तो कुछ दिन रुकोगे तुम यहाँ? तुमने पहले तो नहीं मुझे बताया। तो क्या हो गया, अभी बता दिए ना आपको। और वैसे अगर आप सबको प्रॉब्लम है तो मैं घर वापस चली जाऊंगी, इट्स ओके। अरे महा, पता चला मुझसे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच का कहकर गई थी। मुझे भी यही कहकर गई थी मॉम। ग्रामर, अब तो काफी देर हो गई है, कहीं वो अपने पेरेंट्स के घर तो नहीं चली गई? आई होप सो। पहले तो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही थी, और अब उसका फोन ही ऑफ आ रहा है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे महा से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हम आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? मैं महा को जानता हूँ, वो अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर जाती है। नॉट अ प्रॉब्लम अहमद, मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे कुछ अरसे के लिए ना लंदन चले जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रही तो मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में इसी तरह झगड़े होते रहेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए की है, मैं तुम लोगों को खुश और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके आने से पहले सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। एनीवे, आप टेंशन ना लें, कमरे में जाएं अपने और आराम करें, मैं चेक करता हूँ, ढूंढता हूँ उसे, मिल जाएगी, जाए। नहीं नजमा, मैं नहीं मानता, जरूर कोई बात हुई है जो महा यहां रहने आई है। तुम ऐसा करो,
फौरन नैमर को फोन करो, उससे कहो कि फौरन यहाँ आए। अख्तियार, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अरे मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मुझे फिक्र है अपनी औलाद की। ये उसका अपना घर है, क्या वो एक रात ठहर भी नहीं सकती? अरे 100 बार रुके भाई, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? मुझे नहीं लगता उसकी बातों से कि वो वापस अपने ससुराल जाएगी। आप तो उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो अपना कोई सामान भी नहीं लेकर आई, भला कैसे रुकेगी? अभी मूड नहीं है जाने का तो उसने ये सब कह दिया। आप देखिएगा, सुबह मूड चेंज होगा तो बिना बताए ससुराल चली जाएगी। उसके मूड से ही तो डर लगता है मुझे। इंसान को इतनी मनमानी भी नहीं करनी चाहिए भाई, हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए ताकि जिंदगी आसान हो। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन प्लीज आप तो रिलैक्स करें, इस तरह तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ नजमा, देखो तुम उसे समझाओ, उससे उसकी घर की बात पूछने की कोई जरूरत नहीं, और अगर उसे उस घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद सॉल्व करे। मैं समझता हूँ कि माँ बाप औलाद की कितनी बड़ी सपोर्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें उनकी बेसाखी नहीं बनना चाहिए। बेगम साहिबा, बाहर अहमद साहब आए हैं। अहमद? इस वक्त? ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ और चाय का इंतजाम करो। जी ठीक है। सुनो जी, महाबीबी को बताया तुमने? जी उन्हें बताकर आई हूँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस सुनकर खामोश हो गई। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है बेगम साहब। आप रिलैक्स, मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए, थोड़ी सी मेडिसिन ले लिया। माँ ये क्या बचपन है, तुम मुझे बगैर बताए यहां आ गई। तुम जानती भी हो मैं और मॉम कितना परेशान हो रहे तुम्हारे लिए। तो अपनी मॉम से कहो मैं कोई 2 साल की बच्ची नहीं हूं जो अपने हर मूव की खबर उनको देती रहूं। और तुम भी तो अपनी मर्जी करते हो, हर जगह कब बता कर जाते हो मुझे? एटलीस्ट तुम मेरी कॉल तो रिसीव कर लेती। तुम मुझे बोल के गई थी अपनी दोस्त के साथ लंच करने जा रही हो। सॉरी, प्लान चेंज हो गया था, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारा प्लान चेंज हो गया। ऑफिस का कहकर निकले थे ना, और पहुंच गए ईमान के घर, उसकी मॉम की डेथ पे क्यों, उसके आंसू साफ करने गए थे तुम? नहीं नहीं, वो तो लिसन, देखो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अमर, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे पता था तुम्हें पता चलेगा। Then? मैं छुप के थोड़ी गया था, मैं तुम्हारे सारे घर वालों के सामने गया था वहां पे। लेकिन जाने की जरूरत क्या थी? तुम क्या जानती नहीं हो ईमान की हरकतें? पहले ही उसने हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, और तुम्हें वहां जाके उसको हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत थी मुझे ये बताओ। मैं ईमान से हमदर्दी करने नहीं गया था, मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, नफरत करता हूं मैं उससे। मैं तो दानियाल के लिए गया था, यू नो उसने मेरी जान बचाई थी, मैं तो सिर्फ उससे अफसोस करने गया था बस। अच्छा चलो ना, छोड़ो इस छोटी सी बात को, चलो घर चलते हैं, मॉम भी हमारा वेट करी और कल उनकी फ्लाइट भी है, यू नो दैट। तो मैं क्या करूं? महा, तुम्हें उन्हें सी ऑफ करने मेरे साथ चलना चाहिए। तो फोन पे कर दूंगी ना बाय। वैसे भी तुम्हारी मॉम का जिस तरह रवैया मेरे साथ है, आई डोंट थिंक मेरा वहां उन्हें आना अच्छा लगेगा। ऐसी बात नहीं है मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई तुम लोग तो सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हो, पहले ये बताओ तुम डिनर पर क्यों नहीं आए? बैठते साथ कोई बातचीत होती। मैं माजर चाहता हूँ आंटी, मसरूफियत ऐसी थी कि वक्त निकाल नहीं सका, अभी भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बस महा को लेने आया हूँ। इस वक्त? लेकिन महा तो रात ठहरने वाली थी।
वो एक्चुअली आंटी कल मॉम की लंदन की फ्लाइट है तो माहा का घर होना जरूरी है। यूं अचानक? खैरियत? मामू की तबीयत तो ठीक है ना? जी बस उन्हीं की वजह से मॉम को दोबारा जाना पड़ रहा है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओह आई सी, माहा का तो वाकई इस वक्त घर होना जरूरी है। आई डोंट थिंक मॉम, मुझे लगता है मैं सुबह ही एयरपोर्ट पे जाके उनको सी ऑफ कर लूंगी। लेकिन महा बेटा, समीना के साथ पैकिंग में तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी, इसलिए तुम्हारा अहमर के साथ जाना जरूरी है। चाय पियोगे? नहीं आंटी, थैंक यू, बहुत देर हो गई है, मॉम भी हमारा वेट कर रही है, हम बस निकलेंगे। चलें? अपने घर चली जाओगी तो वहां कोई काम करना नहीं होगा और बोर्डम भी नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें भी तो बहुत मिस करूंगी। हाँ लेकिन मॉम और डैड की कंपनी तुम्हारी रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। तो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। सच में? मैं ईमान से हमदर्दी करने नहीं गया था, मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, नफरत करता हूं मैं उससे। मैं तो धनियाल के लिए गया था। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। ओ हाँ, आपसे पूछना था कि दुबई के लिए कब निकल रहे हो? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं और इस बार मैं प्लान कैंसिल ही होने दूंगा, इसलिए फौरन अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। और हाँ, मुझे पासपोर्ट निकाल के दे देना ताकि मैं टिकट्स और वीजा अरेंज कर दूँ। ठीक है, मैं सुबह होते ही आपको हम दोनों के पासपोर्ट्स दे दूंगी। चलो सो जाओ। अंदर जाके खेलो। खाला मैं यहीं खेलूंगा। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है टीपू, और तुम इतना शोर मचा रहे हो, अंदर जाके खेलो। खाला मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही खेलूंगा। अरे तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? मैं कह रही हूँ ना अंदर जाओ। क्या बात है भाई, क्यों डांट रही हो टीपू को? टीपू से कह रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द है, अंदर जाके खेल ले, और ये उल्टा बदतमीजी कर रहा है मुझसे। टीपू अपनी गाड़ी उठाओ और अंदर कमरे में जाके खेलो बेटा। एक तो तुम्हारे मूड स्विंग्स, हमारे सर का दर्द बनते जा रहे हैं। अगर बच्चा नहीं मान रहा तो उसे बैठे रहने दो, खेलने दो, उसे उलझने की क्या जरूरत है? हाफी, उसे समझाने के बजाय आप मुझसे झगड़ रही हैं। मैं झगड़ा नहीं कर रही, सिर्फ बता रही हूँ ये टीपू का घर है। अब क्या वो अपने घर में उठना बैठना तुम्हारी इजाजत से करे? आप भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने बच्चे को समझाने के बजाय उल्टा मुझे सुनाकर चली गई। ये घर सिर्फ इनका तो नहीं है, मेरा भी तो हक है इस पर। लेकिन भाड़ में जाए ऐसा हक।
अब मैं आप ही के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। आ जाए दानियाल शाम को, मैं कहती हूँ उससे अब अलग घर का बंदोबस्त करे मेरे लिए, वरना आप ही तो मुझे इसी तरह नीचे दिखाती रहेंगी बात बात पे। मैं जानती हूँ तुम एक समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अहमद से प्यार करती हो। ये अपनी तरफ से बहुत लापरवाह है, इसका ख्याल रखना। और अगर मेरी किसी बात से हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। क्या बात है मॉम, आप इसे सॉरी क्यों बोल रही हैं? मैं नहीं चाहती कि महा अपने दिल में कोई भी बात रखे और मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो। आंटी, मैं उन टाइप की लड़कियों में से नहीं हूँ। आई मीन, मुझे अगर जो भी कुछ भी फील होता है, जो मेरे दिल में होता है, मैं स्ट्रेट अप बता देती हूँ। इट्स फाइन। अच्छा करती हो, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, मगर उसकी साख कोई इतनी कड़वी ना हो कि किसी दूसरे इंसान का दिल दुखे। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चले चले। और हाँ तो फिर किसी दिन प्लान कर लेते हैं, मुझे बता देना जब तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। हाँ मैं कर। ओके, अल्लाह। रुको ईमान। तुम्हें पता है ना कि किसी के कमरे के बाहर कान लगाकर बातें सुनना इखलाकी तौर पर जुर्म समझा जाता है। मुझे तुमसे इस बदतहसीबी की उम्मीद नहीं थी आंटी। वो अब हमेशा की तरह सफाइयां और वजाहतें पेश करना मत शुरू कर देना। अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी थी ना तो नॉक कर कर अंदर चली जाती ना और उनसे पूछ लेती कि तुम दोनों में किस बात पर झगड़ा हो रहा है, यूं छुप छुप कर टो ना लेती। आंटी अब गलत समझ रही हूँ। दरअसल मुझ में गलतियां निकालने से बेहतर है कि तुम अपनी इसलाह करो। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम जा सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है, तबीयत ठीक है? नहीं, दिल घबरा रहा है मेरा, चक्कर आ रहे। तो चलो ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो चेंज करो हम लोग। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मतलब तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर की जरूरत नहीं है? तुम्हारा लॉजिक मुझे समझ नहीं आता फरिया। क्योंकि इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है तानिया, मुझे सुकून की जरूरत है जो इस घर में नामुमकिन है। क्या हुआ, भाभी से लड़ाई हुई है? आप ही मेरी सगी बहन जरूर है, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि वो अपने अलावा किसी और को खुश नहीं देख सकती। अब मेरा उनके साथ गुजारा नामुमकिन है। दानियाल, तुमने कहा था कि हम जल्दी ये मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे, हमारे नए बेबी के आने से पहले हम किसी अच्छे बड़े घर में चले जाएंगे। अब अचानक क्या हो गया है तुम्हें? तुमने अभी तक कोई घर क्यों नहीं देखा? यह घर बनाने में टाइम लगता है, और चंद दिनों पहले ही अम्मी का इंतकाल हुआ। यार, खाला तो चली गई और अल्लाह ने चाहा वो जन्नत में सुकून से होंगी, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाने में क्यों तुले हो तुम? फरिया, नहीं बस, अब मैंने कह दिया, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। दम घुटता है मेरा यहाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में कुछ और दिन रही ना तो मैं और मेरा बच्चा दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। अच्छा तुम रिलैक्स करो प्लीज, तुम्हारी तबीयत वैसी थी, मुझे थोड़ा टाइम तो दो, लोन अरेंज करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो कर्ज क्यों ले रहे हो? ये घर भी तो तुम्हारा ही है, इसमें हमारा हिस्सा है। इस घर को बेच के
आराम से पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम्हें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फरिया की बच्ची दानियाल को उल्टी सीधी पटिया पढ़ा रही है। अरे या खुदाया, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ? अब क्या गलती हो गई? आजकल बहुत गलतियां कर रही हो तुम। खैरियत तो है? सांप पालने की है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मगर मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, भूल है उसकी कि मैं अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर कटने दूंगी। नहीं अभी समिया, ये क्या पहेलियां बुझवा रही हो तुम। मैं थका रहा ऑफिस से आया हूँ, जो भी बात है सीधी सीधी करो ना। क्या बात? क्या है फैसल? बात ये है कि दानियाल अपना घर बेचना चाह रहे हैं। फरिया ने उसे भड़का दिया, उसके कान भर दिए, और अब ये चाहते हैं कि घर छोड़ के चले जाएं। क्या आप जानते भी नहीं है? अरे इतना तमाशा खड़ा हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं है? अरे इन सबने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अब आपको पता चलेगा, जो बात मैं कहती थी वो ही निकली ना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर दानियाल ने घर बेचने पर जोर दिया तो हमें ईमान को भी हिस्सा देना पड़ेगा। चलो जी, एक और हिस्सेदार। अभी हक है उसका, अगर घर बिक गया तो वो मांग सकती है मुझसे। तो क्या हम सारी जिंदगी फर्ज ही अदा करते रहेंगे? ये दोनों हकदार बनकर आए और हमसे हमारी छत भी चली जाए। मैं रोकूंगा भी कैसे? अगर दानियाल और ईमान आपस में मिल गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए तुमसे कहा था कि फरिया को अपने हाथ में रखो। फरिया से तो मैं खुद ही निपट लूंगी, दानियाल और ईमान का ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अब मैं कहती हूँ ईमान को फोन करो और उसे यहाँ बुला लो। तो उससे क्या हो? अरे फोन तो करो, बुलाओ तो सही, यहाँ बताती हूँ क्या करना है। अच्छा मैं करता हूँ फोन से, लेकिन तुम इतना मत सोचो, ना इतनी परेशान हो, करता हूँ बात। हाँ ईमान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल जी मैं आ जाऊंगी कल। जी नहीं, मैं फखर से कह दूंगी, मुझे ड्रॉप कर देंगे। जी जनाब, आप जहाँ कहेंगे मैं ड्रॉप कर दूंगा। जी फैसल भाई जी, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नहीं अगर आप फ्री हैं तो ड्रॉप कर दीजिएगा, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। वो फैसल भाई बुला रहे हैं। खुद क्यों जाओगी? जब ये गुलाम अवेलेबल है तो क्या जरूरत है अकेले जाने की? वैसे मुझे लगता है कि शोहर और शोफर में कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी क्या राय इस बारे में? मेरी राय कुछ ऐसी है कि मैं कल ड्राइवर के साथ ही चली जाती हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरा शौहर बनने की, आप सिर्फ शौहर का रोल है। ले जाऊंगा। भाई मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोचा था? हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, मतलब किसी अच्छी लोकेलिटी में, कोई बड़ा घर जहां हम सब। तुम ये घर ये मोहल्ला अगर छोड़ना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं। मेरे माँ बाप की यादें हैं इस घर में, हम तीनों पले बड़े हैं इस घर में, और सबसे बड़ी बात मेरी औलाद पैदा हुई है। सच पूछे तो मैं नहीं ऐसा कर सकता, ना मैं सोच सकता हूं। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मानता यहां से जाने, लेकिन
तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे और ज्यादा तुम आगे बढ़ो। मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे ये बताओ कि इरादा क्या है, प्लॉट वगैरह देखा है या कोई बना बनाया घर लोगे? अगर कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी भी चीज के लिए मेरी मदद दरकार हो तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला थोड़ी है, बिना झिझक बोल देना, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा मैं। 1-2 लाख रुपए की मदद तो मैं अपने छोटे भाई के लिए कर ही सकता हूँ, वैसा मसला थोड़ी। जी शुक्रिया फैसल, कोई बात ही नहीं है। क्या बात है, तुम सारा का सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो और पलट के मुझे कॉल तक नहीं करते हो। क्या करूं बेबी, मॉम की गैर मौजूदगी में काम का बर्डन सारा मुझ पे आ गया। तो मैं अब क्या करूं, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। आई नो, मैं मुझे एहसास है तुम्हारे अकेलेपन का और मैं चाहते हुए भी तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। वहां तुम एक काम क्यों नहीं करती, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। हाँ तुम बिजी रहोगी, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, एक्चुअली मुझे यूं चीजें मैनेज करने की आदत नहीं है ना, और आंटी के बाद ही सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ स्वीट हार्ट, अपने घर चली जाओगी तो वहां कोई काम करना नहीं होगा और बोर्डम भी नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें भी तो बहुत मिस करूंगी। हाँ लेकिन मॉम और डैड की कंपनी तुम्हारी रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। तो एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। सच में? अब तुम अगर मेरे बगैर रह ही नहीं सकती तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए, लेकिन पहले वहाँ पे जो भी लोग हैं सबसे एक बार पूछ लो, किसी को कोई एतराज ना हो। ये किस किस्म की बातें कर रहे हो, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे वहाँ जाने से? फिर भी यू नो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे मॉम को कॉल करके बता देती हूँ, आई एम श्योर वो बहुत हैप्पी होंगी। आई होप।